इस वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो दतिया से हमारे पास आ रही है, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर मामला दर्ज हो चुका है। कोतवाली पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी वीर सिंह वंशकार ने अपमानित करने का आरोप लगाया था। स्कॉर्पियो गाड़ी हड़पने का पूर्व विधायक पर आरोप लगा है। धारा 406, 294 और 323 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर यह बड़ा मामला दर्ज हुआ है। फरियादी वीर सिंह वंशकार हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं। पहले राजेंद्र भारती जो भूतपूर्व विधायक थे, उनके साथ काम करते थे। उनका जो थाने कोतवाली मार्ग पर उसने रिपोर्ट किया है कि मेरी जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो इनके द्वारा हड़प ली गई है और मेरे मांगने पर नहीं दे रहे और मुझे जाति सूचक गालियाँ देते हैं, मेरे साथ मारपीट की है। इसी आधार पर वीर सिंह की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 406, 294, 506 IPC और SCST का अपराध पंजीकृत किया गया है, क्योंकि इसमें भी विवेचना लिया गया है। बड़ी खबर दतिया से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि SCST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दरअसल फरियादी वीर सिंह वंशकार ने अपमानित करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ स्कॉर्पियो गाड़ी हड़पने का पूर्व विधायक पर यह आरोप लगा है। कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसमें 406 और 323 प्रमुख हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जिन पर मामला दर्ज हो चुका है, कोतवाली पुलिस ने SCST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी की बात की जाए तो फरियादी वीर सिंह वंशकार ने अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ स्कॉर्पियो गाड़ी हड़पने का भी पूर्व विधायक पर आरोप लगा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। अब मनोज, सबसे पहले जानना चाहेंगे, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर मामला दर्ज किया गया है, फरियादी को अपमानित करने के साथ ही जो गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी, उसे भी हड़पने का आरोप लगा है, क्या है पूरी जानकारी इस मामले को लेकर, विस्तार से बताइए। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कांग्रेस के नेता हैं, इनके बहुत ही नजदीकी थे, कांग्रेस कार्यकर्ता ही था, इनका नजदीकी था वीर सिंह वंशकार जो सरपंच है वर्तमान में। इतने राजेंद्र भारती ने हरजन कोटे से एक गाड़ी उठाई थी वीर सिंह वंशकार के नाम पर, तो इस राशि इससे जमा करवाई थी, उसमें कुछ प्रशासन द्वारा सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी पाने के लिए राजेंद्र भारती द्वारा यह काम किया गया था। लेकिन राजेंद्र भारती ने गाड़ी के कोई पैसे जमा किस्त जमा नहीं की, और किस्त पूरी ही सरपंच वीर सिंह वंशकार द्वारा जमा की गई, तो गाड़ी चुकता हो चुकी थी। अब गाड़ी राजेंद्र भारती उसको चला रहे थे, तो अब वर्तमान में राजेंद्र भारती के पास ही है, तो इसने अपनी गाड़ी मांगी उनसे, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, इन्होंने वीर सिंह वंशकार की मार पिटाई भी कर दी, तो वीर सिंह वंशकार ने थाना सिटी कोतवाली में इस बात की घटना को लेकर शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने 406, 294, 323 धारा के IPC के तहत मामला पंजीकृत किया है और मामले में राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी प्रयासरत है। बिल्कुल, लेकिन यदि कानूनी रूप से इस पूरे मामले को देखा जाए तो धाराएं तो लागू कर दी गई हैं, मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन गिरफ्त में लेने के लिए पूर्व विधायक को क्या प्रयास अब तक किए गए हैं? नहीं, जैसा कि सिटी कोतवाली TI से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच हो चुकी है, जांच में राजेंद्र भारती आरोपी सिद्ध हुए हैं, अब सिर्फ उनको गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए वो प्रयासरत है। इसके अलावा यदि फरियादी की बात कर ली जाए तो और क्या कुछ कहना है फरियादी का? फरियादी का साफ कहना है कि हमारे साथ 420 की गई है और गाड़ी ये रखे हुए हैं और हमें प्रताड़ित करते रहते हैं। आप जैसा कि बता दें कि जिला सहकारी बैंक का भी ऐसा ही घोटाला राजेंद्र भारती के खिलाफ आया था, जिसमें भी उन पर 420 के मुकदमे दर्ज हुए थे, वो भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है मामला पूरा। इस तरीके के जो कांग्रेस विधायक द्वारा किया जाता है, इसको लेकर हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। चलिए, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे मामले सामने आए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई आखिर क्या की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।